सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, वेलकम टू मिस बैन ममाज ब्लॉग्स। तो गाइस, आज मैंने एक सपना देखा है और वो सपने में ये देखा है कि मेरे हाथ से टीवी टूट गई है। तो गाइस, क्यों ना मैं ये सपना पूरा कर दूं। मैं जब देखा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि आज हम लोग को जाने का है रात में मम्मी के घर पे, तो हम लोग जाएंगे मम्मी के घर पे। मिसबा ने बनाई है बिरयानी, तो वो भी लेके जाएंगे। और मैं करने वाला हूं एक छोटा सा प्रैंक, जो टीवी टूटने का जो प्रैंक है वो मैं पापा के ऊपर करने वाला हूं। तो चलो देखते हैं ये प्रैंक करके कैसा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं कैमरा उधर किधर सेट करूंगा, ये बहुत बड़ा टारगेट है। तो चलो चलते हैं घर पे, मिसबा के साथ बिरयानी हम लोगों ने ले लिए। सो गाइस, फाइनली मैंने कैमरा सेट कर दिया। और कैमरा सेट करने के लिए इतनी क्या बोलते हैं उसको, इतनी मेहनत लगी ना गाइस कि कुछ पूछो मत। तो गाइस, मैंने मम्मी को भाईजान को भाभी को जितने भी घर में सबको मैंने बता दिया कि मैं आज फोड़ने वाला हूँ टीवी। तो गाइस, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ब्रोकन टीवी। तो गाइस, अभी पापा आ रहे हैं नीचे। हाँ, तो गाइस पापा है नहीं घर में, पापा गए नीचे, तो अभी पापा आने का वेट करते हैं। तो हम लोग आज सिर्फ दिखाने वाले पापा को कि पापा टीवी फूट गई है, तो पापा का रिएक्शन देखते हैं क्या होने वाला है। मैं तो बहुत मार खाने वाला हूँ, मम्मी मुझे बचा लेना जल्दी, पापा आ जाएंगे। सो गाइस, मैंने टीवी में लगा दिया है और आप लोगों को दिख रहा है कि टीवी फूट गई है, तो ये फूटी नहीं है, मजबूत है। तो चलो गाइस, पापा खाने का वेट करते हैं, हम मिलते हैं थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पानी ला। ये कुर्सी में प्लास्टिक बहुत बेकार है, गड़बड़ होती है। हाँ, फिसल जाते हैं, बैठने नहीं होता। बैठ सब को चुप चुप क्यों बैठ है, क्या बात है? कुछ तो बात है। अभी बस खाना खाए ना, अभी आराम करें। एसी चालू करो, एसी चालू करो। रिमोट वही तो है, ले लो आप, हमसे तो बनता नहीं है। अरे ये रिमोट है ना, ये क्या? हाँ। लव, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये महमूद मिसबा का झगड़ा हो गया ना, तो महमूद गुस्से में ग्लास ही फेंक दिए उसके ऊपर, ये इतनी जोर से मारे अंदर बैठे जाके। तू बैठी रही, मना नहीं किया? मना किए मगर अब क्या करें, फेंक दिए, अब टूट गया तो अब क्या करें। अब ये बार बार आती है ये चीज, एक बार लेने में तो हिसाब लगता है, हैं? हराम का है। अब बोलो तुम्ही, बिन मेहनत नहीं लगती, पैसा नहीं कमाना का है? तो उसको समझाओ ना, पैसा कमाने आजा, बार बार आता हूँ, बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहती है। मैंने तो कुछ नहीं बोली, सब पता भी नहीं, जो कुछ नहीं बोली बोलती तो मैंने थोड़ी, तुम तोड़े हो तो मैं ऐसा ग्लास पेगा तो हटी क्यों? तो मैं टूट जाती तो मतलब तुम जो भी पाएगा वो मारेगा। हाँ, तो हटी क्यों? तो मैं खा लेती, इतना जोर से टीवी टूट गया, मेरा मुंह टूट जाता तो मुंह टूट जाता। अरे ये कौन सी बात हो गई? सोनू कहाँ गया था? भाईजान अंदर थे लगता, वो नहीं मना कर सकता था ना भाईजान। हाँ, अरे टीवी टूट गई है, देखो जरा। क्या हो गया देखो ना, इन लोगों का मचमच हो रहा था, तू कहाँ गया था? ये लोग का कांड ऐसा हो गया, फोन फोड़ दिया। मैं निशाना लगाया इसके सर पे, हट गई। वाह, जॉन्टी रोड से तुम था ना, निशाना लगाया और हट गए, यानी जो चीज पाओ वो फोड़ दो, कर दो, यानी जिसके चल मैं माना के उसको ना लगा, उसको लगा होता तो
तो बोल रहे मुंह फूट जाता तो अच्छा हो जाता। को लगता तो समझ में आता, बन जाता, अभी ये बन रहे नहीं है। अब बनेगा नहीं, भाभी भी उधर पड़े थे। हाँ तो भाभी भी कैच पकड़ लेते ना जो फेंका था। अभी क्या करेंगे, अभी टूट गई अभी क्या करेंगे, क्या जितने गई वो जितने की थी उतनी गई। अभी तो फ्री की तो आई है, हम लोग जाते फ्री में लेकर आ जाते और क्या। सब हम लोग बैठे और एसी लगा दो कम से कम, वो भी तोड़ने का इरादा है। एसी क्या लगा दो, लगा दो। पापा को गर्मी हो रही थी तो एसी लगाने के लिए बोले पापा ने। अभी एसी लगा देता हूँ, गुस्सा शांत करना। हेलो लगा दिया एसी। अभी क्या करेंगे, अभी भाईजान नहीं बन सकती ना। 55,000 की टीवी बनाने भी जाओ तो 40,000 रुपए उसका वो लेगा, तो मतलब क्या फिर तुम नया ही खरीद ले। अभी तो लिए थे इन लोग यार टीवी, अभी पापा तुम तो पापा ही हैं। आपने को कितना हो गया, एक साल हो गया क्या, एक साल हो गया। अभी क्या करूं मैं, टूट गई तो टूट गई ना। तो पापा से पूछो, पापा की चीज तोड़े हो, मेरी चीज थोड़ी तोड़े हो। तो अभी क्या करने का पापा, अभी क्या करने का पापा, इसे तोड़ने का। तोड़ने का, टूट गए मैं क्या करूं। आपको कौन बोला था इतना महंगा वाला ग्लास लेके आने के, इतना बड़ा इतना महंगा ग्लास लेके आए हो। ऐसा लगा टूट गया, वो बीच में लगा, यहाँ पर ही लगा था, टूट गया। तोड़ दिया भी खत्म, और उसमें भी एक्सक्यूज दिखा रहा है। अरे बोलता है महंगा वाला गिलास, चलो पानी पियो ठंडा हो जाओ। सस्ता वाला ले ले लेके आने का। चलो पानी ठंडा हो जाओ, अभी पानी पी के। तुमने तो सब बिगाड़ दिए, पापा भी कुछ बोल नहीं रहे तुमको। अरे क्या बिगाड़ दिया मैं, ऐसा ही मेरे घर पे भी बिरयानी बनाई आज। ओके पूरा गोश गोश खाली, चावल रख दी। तो क्या टीवी फोड़ दोगे उसके लिए। टीवी फोड़ दोगे मतलब, पहले से गोश्त नहीं मिला। ओके यहाँ आके मस्ती कर रही है, नेक्स्ट टाइम कर मत, मेरा ऐसे दिमाग खराब है। खाना खाया ना। अरे चावल, अरे चावल तो पोछा तू, कभी ऐसा होता है। उसको समझाओ कुछ भी, अभी समझाओ इसको। इंसान के दिन रहता है तो आदमी एक फिर दूसरी खा लेता है, ये तो मैं इसे बनाई होगी तो सब खा ली होगी। अभी गुस्सा आ रहा है, वापस फोड़ दूंगा मैं पूरी टीवी, फोड़ दूंगा। एक बार गलती से फूट गई, फूट गई। बहुत मारूंगा है, नालायक नहीं था। आधा नखरे कर रही है, रख लो अम्मी आप लोग इनको। हाँ रख लो अम्मी, मेरे को फोड़ो यहीं पर सब कुछ। हाँ फोड़ दूंगा पूरा। तब भी मैं सोचूं पापा प्लास्टिक क्यों लगाते कुर्सी को, तुम्हारी हरकतें ऐसी है। फेंकने की आदत बहुत, कोई भी सामान लेके फेंक देने का, तोड़ देने का। अच्छा 10 रुपए की चीज आती है क्या, जाता है तो सब बेकार हो जाता है। अभी वो 10 रुपए की चीज थोड़ी है, जो 10 रुपए की चीज है। तुम क्यों नहीं समझता है, अभी क्या करेंगे पापा लोग को, अभी टीवी देखने करेगा तो। टीवी देखने करेगा तो देख रहे हैं, अभी नहीं लेंगे, नहीं लेके आएंगे। सब अच्छा अच्छा रखने का, दूसरों की चीजें खराब करने के घर पे। अब सही की चीजें टूट गई तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता इस पे। अभी क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे से रहने का आदमी के मार्फी ला के देंगे ना। अब ला कर दो, नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, कहाँ पाएंगे। ला के दे, इतना गुस्सा निकालते हैं ना तो ला के दे। क्या ला के दो, अभी ला के दे, इसको कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने थोड़ी थोड़ी, उसको क्या बोलेंगे, वो क्या की देंगे, मालूम पड़ेगा। उसने जब आई, जब ही मेरे से झगड़ा चालू करी तो ही मेरे से गिलास गया ना ऊपर। मेरे से गया नहीं, तुमने फेंके, गया थोड़ी, अपने आप थोड़ी चला जाएगा। तो फेंका ही मैं, पर मैं तेरे को मार रहा था, तू यहाँ खड़ी थी, तेरे को मार रहा था, तू ऐसा आई काय के लिए मार रहा था। उसके लग जाता तो मेरे को चुमटी मार के भागी थी। चुमटी और गिलास में फर्क है कि नहीं। तोड़ दिया मैं टीवी, जा तोड़ दिया। अब क्या करने का, पूछो पापा से क्या करने का, बोलो। बस यही बात है, बोलो। हाँ कर दिया क्या, चल जीपे नंबर दे। चलो जीपे नंबर दो, जीपे नंबर दो, चलो लो। अब टूट गए, अब चिल्लम पुकार कर रहे। पापा आप बचपन में मारे नहीं लगता, जीपे नंबर हमारे पास नहीं है। बहुत मार खाया हूँ मैं, मेरे को नहीं मालूम है। आदमी के माफी करा, सुधर जा।
जानवर के माफिक मत हरकत कर। अभी टूट गई पापा, अभी की जान कुछ नहीं कर सकते। वो तो मालूम है कि अब टूट गई तो क्या, अब उसको क्या कर सकते हैं? ऐसा टूट गया जमीन देखो, कांच तो नहीं गिरी है? कांच नहीं गिरी है। हरकत तो खराब है। तू भी बैठी रही, कुछ बोली नहीं, समझाई नहीं। बाबा क्या मालूम कि अचानक फेंक देंगे, मारेंगे तो टूट जाएगी। क्या मालूम हमको? मालूम मालूम क्या हमको? क्या है ऐसा करेंगे तो ऐसी टूटेगी ना, और ऐसा मजाक मस्ती करना पड़ेगा मेरे को। लो बना दिया तुम्हारी टीवी, ले लो ले लो, तुम्हारी टीवी बना दिया। टीवी बन गई, टीवी बन गई, हेलो, हो गई पूरी टीवी बन गई। जा पैसे की बात आई, टीवी बना दिया, जादू आदू तो नहीं आना तुमको? टीवी बना दिया तुम्हारी, बस और कुछ? हाँ बोल रही है, प्रैंक हो गया। किस पे हो गया प्रैंक बेटी? किस पे बेटी? पापा पे। कोने में बैठ के देख रही थी, पापा पे प्रैंक हो रहा था। पापा पे हो गया है प्रैंक, और ये तीनों मिले हुए थे। तो पापा कैसा लगा आपको मेरा प्रैंक? सच में गुस्सा आ रहा था कि इसी गुस्सा कर रहे थे? गुस्सा आ रहा था। आ रहा था। तो गाइस पापा को एक नई चीज थोड़ा संभाल के गुस्सा किया करो, ये गुस्सा करने की बात नहीं रहती। हम लोग मजाक, लड़कपन नहीं रहता। हम लोग मजाक कर रहे थे पापा, टीवी एकदम सही एकदम टकाटक है। ऐसे हम लोग बैठे बैठे सोच रहे थे कि क्या करें, और इसलिए मैंने मम्मी को पहले बता दिया था कि मम्मी हम लोग पापा पे प्रैंक करने वाले। मैंने ऑलरेडी तुम्हारी शिकायत तो है, तुम्हारी शिकायत तो है, तुम्हारी शिकायत तो मिलती है हमेशा। तो गाइस मैंने अच्छा वो मम्मी को पहले बता दिया था, घर में झगड़ा करते हो, घर में चीज को फेंक देते हो। ये मैं फेंकता हूँ कोई चीज? मेरी लिपस्टिक एक बार फेंक देते। तो पापा आपको कैसा लगा आपकी टीवी वापस बन गई? अच्छा लगा, अच्छा लगा, ठीक है बन गई। तो गाइस पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे, और मेरे पापा को ज्यादा गुस्सा करने नहीं आता है, वो ज्यादा गुस्सा नहीं करते, एकदम पोलाइट है। तो जो भी हुआ उनसे उनका रिएक्शन आपने देख लिया है कि वो मेरे को बहुत कुछ बोल चुके, और सही में भी टूटेगी तो ऐसी ही होगा गाइस, कि वो ज्यादा रिएक्शन नहीं करेंगे। उनको पता है कि आज एक महीना नहीं तो दो महीने बाद तो टीवी लेके आ जाएंगे, टूट गई रहेगी गलती से। तो हम लोग ने मम्मी को बता दिया था, तो मम्मी भी हम लोग के साथ मिले हुए थे, तो और इसीलिए ज्यादा बवाल नहीं हुआ। और अम्मी को नहीं पता रहता तो बहुत ज्यादा बवाल होता, क्योंकि अम्मी और पापा दोनों एक साथ मिलके चिल्लाते। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी, जो हम लोग ने किया है पापा के साथ प्रैंक। और गाइस हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं फैमिली में तो बहुत ही एक्साइटिंग ब्लॉग बनता है, तो इसीलिए मैंने पापा पे एक छोटा सा प्रैंक किया है। तो गाइस आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप भी अपने डैड और मॉम पे प्रैंक कर सकते हो। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।